हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल इन दिस वीडियो आई हैव सिलेक्टेड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉमन ईयर विच इज आस्ट इन विच इज आस्ट इन बी सी सी लिटल एंट्री एग्जामिनेशन सो लेट सी द क्वेश्चन द फर्स्ट वन इज वैन आई वॉज पासिंग थ्रू द फॉरेस्ट आई हैपेंड टू सी अ नंबर ऑफ डियर्स वॉट डज इट मीन इट मीन जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने बहुत सारे हिरणों को देखा तो देखिए बेसिकली इसमें करना क्या होता है आपको इरर फाइंड करना होता है कि इरर कहाँ पे है देखिए पूरा सेंटेंस को आप पढ़िए पहले तो पूरे सेंटेंस को एक बार थोड़ा पढ़िए उसके बाद देखिए इसमें इरर कहाँ पर लग रहा है इसमें इरर आपको फाइंड करना रहता है अगर देखिए अगर यहाँ से यहाँ तक में और कहीं पर इरर है तो मेरा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा अगर उसके बाद यहाँ आई से लेके है पेन टू सी के बीच में कहीं इरर है तो मेरा ऑप्शन बी सही हो जाएगा अगर अ नंबर ऑफ़ डियर्स में कहीं इरर है तो मेरा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा और कोई भी इरर नहीं है ये सेंटेंस कम्प्लीटली अगर सही है तो मेरा नो no इरर हो जाएगा यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा तो क्या आपको इसमें कहीं पर लग रहा है कि कोई इरर है आर यू एबल टू फाइन द इर या जस्सी अ नंबर ऑफ़ डियर्स या क्या कभी आपने देखा है कि नंबर ऑफ़ लायंस या अ नंबर ऑफ़ कैट्स इस इस तरह से नहीं होता है डीयर्स जो है ना वो सिंगुलर में भी यूज़ किया जाता है डियर ही अब प्लुरल के लिए भी यूज़ किया जाता है डियर ही डियर्स नहीं होता डियर्स बिल्कुल नहीं होता डियर्स नहीं होता तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी तो समझ रहे हैं ना इसको पूरे सेंटेंस को पूरे पहले थॉरली पढ़ना बढ़िया से देखना सेंटेंस में क्या कहीं इरड़ है अगर कहीं इरर है तो वो उसका ऑप्शन कौन सा है अगर इसका इस इसके अंदर इरर है तो मेरा एस, ए, ए मेरा टिक आउट कर टिकट कर देंगे ए पे अगर आई है टू सी में कहीं इडर है तो बी को टिकआउट कर देंगे और नंबर ऑफ डियर्स में अगर कहीं इडर है तो हम सी को टिकआउट कर देंगे अगर कोई इडर नहीं है नो no इडर तो हम डी को टिकआउट कर देंगे तो ये मेरा सी ऑप्शन सही हो गया चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर बाय अ स्क्रू ड्राइवर इट्स नॉट अ ड्राइवर स्क्रू ड्राइवर चलिए इसमें फाइंड कीजिए कहाँ पे इडर है फाइंड कीजिए देखिए यू कैन यू कैन बिल्कुल सही है कहीं गलती नहीं है ओपन द बॉक्स आप बॉक्स खोल सकते हैं ओपन द बॉक्स कहीं गलती नहीं है देखिए यू कैन ओपन द बॉक्स बाय अ स्क्रू ड्राइवर जब वेन एवर यू यूज एंड यूज अ इंस्ट्रूमेंट टू डू समथिंग देन यू शुड यूज़ विद नॉट बाय तो देखिए आपको विद यहाँ पे यूज करना है यू कैन ओपन द बॉक्स विद अ स्क्रू ड्राइवर नॉट बाय अ स्क्रू ड्राइवर तो देखिए स्क्रू ड्राइवर के साथ विद का यूज होता है तो मेरा ये वाला इसमें इडर है तो इसके साथ मेरा कौन सा ऑप्शन रिलेटेड है सी तो मेरा करेक्ट ऑप्शन uh, क्या हो जाएगा मेरा सी करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी देखिए यहाँ अगर कोई डूअर है जिसे आप कोई काम करते हैं तो बाय राम बाय श्याम बाय ऋषभ बाय रोहन होगा लेकिन अगर किसी इंस्ट्रूमेंट से करते हैं तो मेरा हमेशा विद का यूज होगा समझे तो हमेशा ऑलवेज यूज विद यू आर गोना यूज एनी इंस्ट्रूमेंट ओके लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन हैव ट्रस्ट ऑन गॉड एंड एवरी थिंग विल बी राइट चलिए फाइंड कीजिए कहाँ पीरियड है हैव ट्रस्ट ऑन गॉड विल बी राइट माने भगवान पे विश्वास कीजिए और सब कुछ आपका राइट हो जाएगा एवरी थिंग विल बी ऑल राइट एवरीथिंग विल बी ओके हैव ट्रस्ट ऑन गॉड तो देखिए कहाँ पे है कभी भी ट्रस्ट कि, किसी आदमी पे आद, की अभी कभी भी आप किसी आदमी पे अगर ट्रस्ट कर रहे हैं तो ट्रस्ट इन ट्रस्ट इन राम ट्रस्ट इन श्याम ट्रस्ट इन शुभम ट्रस्ट इन करीना तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑन के जगह क्या का यूज़ हो जाएगा यहाँ पे हम भगवान को भी एक तरह से इंसान की तरह ट्रीट कर रहे हैं तो मेरा ऑन के बदले यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरा इन हो जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा यहाँ पे ए ए में क्या है मेरा इडर है समझ रहे हैं तो इसी तरह से फाइंड करना, okay, करना? यद्यपि हम उसके घर टाइम पे पहुंच गए ही वॉज लेफ्ट फॉर द एयरपोर्ट लेकिन वह एयरपोर्ट से निकल चुका था तो देखिए इस टाइप के आई थिंक यू ऑल वुड बी फैमिलियर विद दिस सेंटेंस लाइक द पेशेंट है द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर कैंप माने रोगी के आने आने से पहले सॉरी uh, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था चोर के आने से पहले uh, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था तो इस तरह से सेंटेंस से आप लोग फैमिलियर होंगे जैसे ये पास्ट परफेक्ट टेंस के अंदर आते हैं तो देखिए ऑल दो वी रिस्ड हिज हाउस इन टाइम तो यहाँ पे क्या होना चाहिए यहाँ पे पास्ट परफेक्ट अकॉर्डिंग ही हैड लेफ्ट होना चाहिए ऑल दो वी his हिज हाउस इन टाइम ही हैड लेफ्ट तो ही हैड लेफ्ट होगा यानी यहाँ पे क्या होना चाहिए हैड यहाँ पे क्या होना चाहिए हैड तो क्या कौन सा ऑप्शन मेरा इधर आ जाएगा बी ऑप्शन में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द टू लास्ट चैप्टर ऑफ द बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग आई थिंक यू ऑल वुड टिक दिस क्वेश्चन करेक्टली देखिए द टू लास्ट चैप्टर ऑफ दिस बुक आर वेरी इंटरेस्टिंग कहाँ पे इडर है फाइंड कीजिए देखिए कभी आपने देखा है कि आ, किसी के मुँह से ऐसा सुना है कभी कि वन लास्ट चैप्टर मेरा रिमाइंडर है लास्ट वन लास्ट वन यूज किया जाता है कभी भी जो है सो लास्ट स्ट्रक्चरल इसमें इडर है टू लास्ट कभी नहीं यूज होगा यूज होगा क्या मेरा होगा लास्ट टू गॉट इट सो ऑप्शन ए वुड बी करेक्ट ओके नेक्स्ट क्वेश्चन आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डो नॉट रिम्बर इट्स स्टोरी मैंने यह फिल्म पिछले साल ही देखा था लेकिन अभी मुझे उसकी कहानी बिल्कुल याद नहीं है आई हैव सीन दैट फिल्म लास्ट ईयर बट आई डो नॉट रिम्बर इट्स स्टोरी देखिए मैंने फिल्म देखा था जब ही जब भी ये आ, सेंस आ रहा है देखा था देखा था तो पास्ट टेंस आ गया और कभी भी पास्ट टेंस में अगर फिक्स टाइम का डिनोशन डिनोट करे अगर कभी पास्ट टेंस तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनट का यूज होगा तो पास्ट इंडिफिनिट में क्या होता है या भी टू का यूज होगा या डिड का यूज होगा तो यहाँ पे हैव सीन के बदले क्या होगा मेरा हैव सीन में मेरा ईयर है यहाँ पे क्या होगा मेरा आई सॉ आई सो दैट फिल्म लास्ट ईयर यहाँ पे अगर रहता यस्टरडे रहता फिर भी मेरा सॉ लगता अगर टेन डेज एगो रहता कभी भी फिक्स टाइम का अगर डिनोट हो ना कि ये फिक्स टाइम बता रहा है कि पास्ट में कोई फिक्स टाइम था जब भी कभी पास्ट में फिक्स टाइम होगा तो मेरा पास्ट इंडिफिनट लगेगा यानी भी टू फॉर्म का यूज होगा या नहीं तो डिड नॉट का डिड डिड नॉट का तो भी टू फॉर्म का यूज होगा तो हैव सीन के बदले क्या हो जाएगा मेरा सो तो करेक्ट ऑप्शन वुड बी ए नेक्स्ट क्वेश्चन महात्मा गांधी रिमेंड अ मैन ऑफ प्रिंसिपल और थ्रू थ्रू ऑल हिज लाइफ मैंने महात्मा गांधी अपने पूरे जिंदगी में आ, पूरे प्रिंसिपल से अपने भरे हुए थे मैंने अपने जो भी उनका नीति था उन नीतियों से वो भरे हुए थे तो इसका कहीं आपको ये लग रहा है गैस कीजिए कहाँ इडर है एक्चुअली इसमें इडर है ही नहीं इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा यहाँ पे नो no इडर वाला डी ऑप्शन हो जाएगा मेरा यहाँ पे नो no इडर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रुस्तम एंड माई सेल्फ द पिक्चर व्हाट करेक्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन देखिए रुस्तम एंड माई सेल्फ नहीं होता है कभी नहीं जब कभी यूज होगा एंड के बाद एंड के पहले जो यूज होगा एंड के बाद भी उसी तरह का नाउन या प्रोनाउन यूज होगा तो रुस्तम है तो यहाँ पे माई सेल्फ गलत हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा आई तो करेक्ट कहाँ पीरियड है बी ऑप्शन में तो बी ऑप्शन मेरा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए अ लॉट ऑफ मनी वॉर स्पेंट ऑन द कॉमनवेल्थ गेम्स माने कॉमनवेल्थ गेम में बहुत सारे मनी स्पेंट हुए थे देखिए जब कभी अनकाउंट अनकाउंटेबल नाउन का यूज हो तो हम ये क्या कहते हैं उसको प्लुरल नाउ प्लुरल वर्ब का यूज यूज नहीं करेंगे यहाँ पे वर्ड के बदले क्या आ जाएगा मेरा वाज आ जाएगा सिंगुलर वर्ब का यूज होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू यू विल कम टू माय पार्टी टुमोरो इज एन देखिए ये क्वेश्चन टैग से रिलेटेड क्वेश्चन है इसका मतलब क्या हुआ तुम कल मेरे पार्टी में आओगे ना आओगे ना तो यू विल कम टू माई पार्टी और यहाँ पे इजंट इट के बदले यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा विल नॉट यू समझ रहे ना देखिए जिस तरह का यहाँ पे यूज होगा जिस तरह का यहाँ पे वॉब यूज होगा हेल्पिंग वॉब यूज होगा उसी तरह का यहाँ पे भी यूज होगा अगर यहाँ पे डू रहता तो यहाँ पे होता क्या मेरा डू नॉट यू अगर डीड रहता डिडोट यू हैव रता देंट यू इस तरह से यूज होता है तो मेरा कहाँ ईडर है मेरा सी पार्ट में इडर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन द ओल्ड मैन वाज ऑवर वेल्ड फॉर जॉय एट द सक्सेस ऑफ हिज ओनली सन यहाँ पे देखिए क्या इडर है गेस कीजिए यहाँ पे देखिए <coughs> यहाँ पे देखिए कहाँ ईडर है वर्ड वेलम के साथ हमेशा विद का यूज होता है हमेशा तो बी ऑप्शन में मेरा करेक्ट हो जाएगा कि बी में मेरा गलत है तो यहाँ पे विद का यूज होगा चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन द हॉकी मैच बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज मच स्टाइटिंग मच एक्साइटिंग बहुत एक्साइटेड मैच था वो तो मच एक्साइटिंग कभी नहीं यूज होता है वेरी एक्साइटिंग यूज होता है समझ रहे हैं तो ये छोटी छोटे ईडर को आपको माइंड में ये इसको स्टोर करके रखना है ताकि जब कभी आप ऑप्शन देखिए आप तुरंत टिक कर दें तो मच एक्साइटिंग गलत है मेरा यहाँ पे वेरी एक्साइटिंग होगा तो कौन सा ऑप्शन गलत है सी ऑप्शन तो सी ऑप्शन मेरा गलत है इसलिए सी सही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि मुझे ईडर फाइंड करना है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हिज कंपोजिशन इज इनफीरियर देन मी देखिए आप देखिए एक बढ़िया से कंसेप्ट आपको बता रहे हैं रुकिए देखिए देखिए यहां पे देन का यूज नहीं होगा यहाँ पे हो यूज होगा टू का देखिए एक ट्रिक बता रहा हूँ जब कभी लास्ट में ओ आर लगा रहे ना तो टू का यूज होता है चाहे वो रहे सीनियर जूनियर इन्फीरियर सुपीरियर कुछ भी रहे इन्फीरियर सीनियर जूनियर सुपीरियर कुछ भी रहे है यहाँ पे देन के बल्ले टू का यूज होगा समझ रहे हैं तो यहाँ पे ये कौन सा ऑप्शन के अंदर आता है सी ऑप्शन के अंदर तो सी ऑप्शन के अंदर आएगा तो मेरा कौन सा ऑप्शन सही हो गया मेरा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया क्योंकि सी में इर है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मैनी अटूडेंट है पास द आई आई टी एग्जामिनेशन मैंने बहुत सारे स्टूडेंट जो है, IIT हैं आई आई टी एग्जामिनेशन पास किए हैं देखिए ये आ, ये माइंड मेकअप करके रखेगा मैनी स्टूडेंट जब कभी यूज हो ना तो उसके साथ में हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ होता है यहाँ पे हैव नहीं यूज होगा यहाँ पे हैज यूज होगा मैनी अ इस्टूडेंट हैज़ पास द आई आई टी एग्जामिनेसन हैज़ का यूज होता है तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नो सोनर सी हैड रिलाइज हर ब्लैंडर देन सी बिगैन टू टेक करेक्टिव मेजर्स माने ज़्यादा देर नहीं हुआ था कि उसने अपने गलती पहचान लिया था महसूस कर लिया था कि वो तुरंत करेक्टिव मेजर लेना स्टार्ट कर दिया देखिए इसमें कहाँ पीडर है देखिए ये जान लीजिए यहाँ पे देखिए ये सी हैड है ना दोनों को इंटरचेंज कर दीजिए नो सूनर के जस्ट बाद जो है सो मेरा ये हेल्पिंग वब यूज होता है नो सनर डिड सी हैड सी इस टाइप का यूज होता है तो सी हैड केवल यहाँ पे हैड सी हो जाएगा तो और देखिए इसमें एक दो और मैं बता दे रहा हूं कभी भी क्वेश्चन में अगर ब्लंडर के साथ जो मिस्टेक लगा रहे हैं तो वो गलत होता है ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टेक है तो चूंकि ये क्वेश्चन ये क्वेश्चन में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है ये क्वेश्चन में तो मेरा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा लेकिन आपको दूसरे क्वेश्चन के लिए भी बता दे रहा हूँ कि ब्लंडर के साथ अगर किसी भी आ, किसी भी पार्ट में अगर मिस्टेक लगा रहे ब्लंडर मिस्टेक ही डिड अ ब्लंडर मिस्टेक आई मेड अ ब्लंडर मिस्टेक इन एग्जामिनेशन तो ब्लंडर मिस्टेक कभी नहीं यूज होता है ब्लंडर अपने आप में बहुत बड़ा मिस्टेक है अगर ब्लंडर के साथ मिस्टेक का यूज कर रहे हैं तो सुपर फ्लूअस सेंटेंस हो जाता है जो कि मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा और देखिए नो सूनर या नो no सुनर के साथ हमेशा दैन का यूज होगा ये या आप याद रखिएगा नो सूनर के बाद हमेशा दैन का यूज होगा तो चलिए इसमें कहाँ यूज हो गलत है ए ऑप्शन में क्योंकि सी हैड नहीं होगा नो सुनर के जस्ट बाद इसका स्ट्रक्चर यही होता है नो सूनर हैड सी या नो सुनर डिड सी करके तो हैड सी यूज होगा तो ए ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यू डिड बेटर गोन नाव और यू विल बी लेट मैं तुम बेटर होगा कि तुम अभी अभी जाओ नहीं तो तुम लेट हो जाओगे तो इसमें देखिए कहाँ गलत है गोन नाउ नहीं अभी के बाद अभी का बाद चल रहा है तो मेरा क्या होगा अभी का बाद चल रहा है तो मेरा गो नाउ यूज होना चाहिए गो नाउ जैसे हम कहते हैं ना गो नाउ डू दिस नाउ तो उसी तरह से हो जाएगा मेरा बी ऑप्शन इनकरेक्ट है इसलिए मेरा बी ऑप्शन बी ऑप्शन पर हम टिक कर देंगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन टू लैक्स ऑफ पीपल अटेंडेड द मीटिंग हेल्ड इन पैरेड ग्राउंड पैरेड ग्राउंड में जो मीटिंग हुआ था सो तो दो लाख आदमियों ने अटेंड किया था दो लाख आदमियों ने अटेंड किया था देखिए इसमें क्या करेक्ट हो जाएगा देखिए जब कभी रहे आ, कोई नंबर रहे उसके बाद उसका क्वांटिटी बताए जैसे वन लैक्स वन हंड्रेड टू हंड्रेड फाइव हंड्रेड्स तो वो इनकरेक्ट हो जाता है अगर डायरेक्ट लैक्स है हंड्रेड्स है मिलियंस है तो वो इनकरेक्ट नहीं होगा लेकिन उसके पहले अगर नंबर डिनोट कर रहे हैं ना जैसे यहाँ पे अगर टू नहीं रहता तब ये सेंटेंस कम्प्लीटली करेक्ट है लेकिन जब कभी भी अगर हमने यहाँ पे टू लगा दिया तो टू लगा दिया तो टू के बाद हमेशा लैक लगेगा टू लैक्स नहीं होगा आ, आ, जब हंड्रेड रहे या कोई मिलियन रहे कुछ रहे अगर उससे पहले अगर नंबर का डिनोट हो रहा है ना वन टू थ्री फोर कुछ भी तो वहाँ पर प्लूरल नहीं यूज होगा सिंगुलर ही यूज होगा यहाँ पर टू लैक्स नहीं होगा टू लैक होगा तो यहाँ पर कौन सा ये गलत है कहाँ गलत है यहाँ पे यहाँ पे मेरा एस नहीं होगा एस रॉन्ग है तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ट्वेंटी एट ले योर बुक असाइड एंड ले डाउन टू रेस्ट फॉर अ वाइल माने अपने बुक को बगल में रखो और कुछ देर रेस्ट कर लो फॉर अ वाइल मीन्स कुछ समय के लिए कुछ देर के लिए तो देखिये यहाँ पर ले डाउन टू रेस्ट नहीं होगा यहाँ पे लाई डाउन टू रेस्ट होगा मैं लेटने के लिए जब कभी यूज़ किया जाता है ना तो लाई डाउन को यूज़ किया जाता है ले डाउन का नहीं तो देखिए यहाँ पे ले नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा मेरा लाई डाउन जैसे कहते हैं ना लाई योर हैंड ऑन माई शोल्डर इस टाइप से तो यहाँ पे ले के बदले क्या यूज होगा मेरा लाई तो कौन सा ऑप्शन ये गलत हुआ तो इसके इससे इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा ऑप्शन है बी तो मेरा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा रॉन्ग हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन माय अंकल हैज़ लेफ्ट फॉर बम्बई लास्ट सैटरडे मेरे अंकल जो है बम्बई के लिए लास्ट सैटरडे निकल दिए चल दिए देखिए यहाँ पे क्या है लास्ट सैटरडे फिक्स टाइम डिनोट कर रहा है ना लास्ट सैटरडे दिस इज डिनोटिंग द डिनोटिंग्स टाइम इन विच अकर्ड इन पास्ट सो so, देखिए यहाँ पे लास्ट सैटरडे का यूज़ हो रहा है तो यहाँ पे मैंने पहले बताया था आपको जब कभी फिक्स टाइम का डिनोट हो आ, कि पास्ट में कोई फिक्स टाइम हुआ है तो वहाँ पे हमेशा हम पास्ट इंडिफिनिट लगाएंगे तो यहाँ पे हैज का यूज़ नहीं होगा हैज हैव इज आर ये सब प्रेजेंट टेंस में यूज़ होते हैं तो हैज नहीं यूज होगा डायरेक्ट हो जाएगा माई अंकल लेफ्ट फॉर बम्बई लास्ट सैटरडे क्योंकि पास्ट टेंस में जब कभी फिक्स टाइम का डिनोट हो तो मेरा डायरेक्ट आ जाएगा पास्ट इंडिफिनिट में डायरेक्ट यूज़ होगा वो भी टू फॉर्म तो यहाँ पे हैज़ है कुछ नहीं यूज होगा डायरेक्ट टू डायरेक्ट पास्ट एंड में यूज होता है जब कोई फिक्स टाइम टू आवर एगो गो फाइव डेज एगो लास्ट संडे लास्ट सैटरडे कुछ भी रहे टेन ईयर्स एगो तो मेरा पास्ट एंड यूज होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही इज़ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज थ्री सन्स नेदर हैज़ एनी मैरिट देखिए वो क्या है कि यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है बट ऑफ हिज थ्री सन्स माने उसके तीन तीनों बेटों में नेदर हैज एनी मेरिट किसी के पास मेरिट नहीं है देखिए बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पे नेदर नेदर का मतलब क्या होता है नेदर का मतलब होता है नन ऑफ टू लेकिन यहाँ पे तीन का चर्चा हो रहा था तीन का चर्चा हो रहा है तो नेदर गलत है यहाँ पे क्या होगा यहाँ पे होगा नन नन ऑफ थ्री नन ऑफ नन हैज एनी मेरिट माना किसी के पास मेरिट नहीं है तो नैदर के तो बस दो के लिए यूज होता है यहाँ पे तीन के लिए यूज हो रहा है तो नैदर नहीं यूज होगा मेरा नन यूज होगा तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा सी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर मानी किसी भी एक किसी मैटर में सच जानने के बाद उन्होंने राइट right डिसीजन लिया तो देखिए आफ्टर नोइंग नो बिफोर यूज नहीं होता है नो के साथ यहाँ पे आफ्टर नोइंग गलत है यहाँ पे क्या होगा मेरा यहाँ पे होगा मेरा हैविंग नोन हैविंग नोन द करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा ए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इट्स टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन माने यह वह टाइम है जब तुमने uh, uh, डिसाइड किया था उस कोर्स ऑफ एक्शन का इट्स टाइम इट्स हाई टाइम ये सब जहाँ कभी भी यूज हो तो वहाँ पे पास्ट इंडिफिनट टेंस का यूज होता है तो इट्स टाइम यू डिसाइड के बोले क्या होगा यू डिसाइडेड यहाँ पे क्या होगा यू डिसाइडेड यहाँ पे ई e के बाद डी लग जाएगा तो करेक्ट इनकरेक्ट कहाँ पर है इस पार्ट में तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी इट्स टाइम इट्स हाई टाइम ये जहाँ कभी कहीं भी यूज हो ना तो उसके जस्ट बाद जो है सो हम पास्ट इंडिफिनट ले जाते हैं प्रोजेक्ट नहीं ले जाते हैं चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन टेंथ ऑफ द पिलर हैव अवे देखिए यहाँ पे नाइन टेंथ ये क्या है सिंगुलर तो सिंगुलर के साथ क्या यूज होता है सिंगुलर तो हैव नहीं यूज होगा यहाँ पे नाइन टेंथ ऑफ द पिलर यहाँ पे हैव के बदले क्या होगा यूज मेरा हैज तो यहाँ आ, कौन सा कौन सा ऑप्शन में गलत है सॉरी 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 मेरा बी नहीं गलत है के बदले यहाँ पे हैज रोटेड होगा तो इसमें रॉन्ग है तो रिलेटेड कॉरेस्पॉन्डिंग ऑप्शन है मेरा सी तो सी करेक्ट हो जाएगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इफ आई was टोल्ड अर्लियर आई वुड हैव सर्टेनली helped यू तो यहाँ पे देखिए कहाँ पे गलत है इफ़ आई वॉज़ टोल्ड अर्लियर तो मैंने अगर मैं पहले कहा होता कभी भी देखिए इफ आई के साथ इफ आई के साथ हमेशा जनरली प्लूरल वर्ब का यूज़ होता है इफ़ आई अ वर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई अगर मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता स्ट्रक्चर से आप फैमिलियर होंगे तो यहाँ पे आई वाज टोल्ड अर्लियर मैंने कहा था तो मैंने कहा था तो वाज नहीं यूज होगा मैंने यहाँ पे हैड यूज होगा आई वाज आई वाज टोल्ड अर्लियर का मतलब हो जाता है मुझे कहा था लेकिन यहाँ पे सेंस आ रहा है मैंने कहा था तो आई हैड टोल्ड अर्लियर होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आर्म्स आर गिवन टू द पुअर्स यहाँ पे देखिए कौन सा इडर है फाइंड कीजिए गेस कीजिए कहाँ इडर है देखिए यहाँ पे पुअर्स कभी नहीं यूज होता हमेशा पुअर यूज होता है तो यहाँ पे सी ऑप्शन इनकरेक्ट है रिचेज रिचेज सुने कभी अपना रिचेज नहीं होता है पुअर्स नहीं होता पुअर होता है तो यहाँ पे इडर है सी पार्ट में चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू इंश्योर दैट मेंबर फुलफिल द रिक्वायरमेंट देखिए यहाँ पे कहाँ पे इडर है देखिए ये इंश्योर में इडर है मेरा ये इंश्योर कहीं नहीं होता? होता है ये इंश्योर होता है ई एन एस यू आर ई वी हैव टू इंश्योर हमें सुनिश्चित करना है कि जो भी मेंबर है वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरा बी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नो सीनर नो सूनर डिड द टीचर्स इंटर द क्लास वेन द स्टूडेंट स्टूडप देखिए ये कॉन्सेप्ट मैंने पहले ही बता दिया है तो यहां पे कहा पीरियड है वैन नहीं यूज होता है नो no सीनर के बाद तुरंत डिड या हैड का यूज होता है तो डिड या हैड है सही है यहाँ पे लेकिन <coughs> यहाँ पे देखिए वैन का यूज नहीं होगा यहाँ पे दैन का यूज होगा नो no सुनर वाले सेंटेंस में दैन का यूज होता है अगर हार्डली रहता तो हार्डली के साथ वैन का यूज होता है लेकिन नो no सुनर के बाद दैन का यूज होता है तो चलिए मेरा अगर रॉन्ग क्या हो गया ये तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी नेक्स्ट क्वेश्चन ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क क्या क्वेश्चन देखिए क्या क्वेश्चन है ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे कहाँ पे इडर है मेरा देखिए टेक्स पेन एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एकदम पेन किसी ग्रेट एफर्ट लगा रहे हैं हम तो हमें पेन हो रहा है किसी भी काम करने के लिए तो देखिए टेक्स पेंस पेन नहीं होता है पेंस होता है यहाँ पे तो करेक्ट ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा बी बी में wrong pain मेरा रॉन्ग है पेन नहीं होगा मेरा पेंस होगा चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग माने कश्मीर का जो सीन है वो बहुत ज़्यादा आकर्षक है वेरी चार्मिंग तो देखिए कस सीनरीज सीनरीज़ ये बिल्कुल सीनरी का आ, ये प्लूरल ये नहीं होता सीनरी का प्लुरल होता है एस सी ई एन -E ई आर -E वाई सीनरीज कभी नहीं होता ये रॉन्ग है तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नेक्स्ट क्वेश्चन आई वुड अप्रिसिएट इफ़ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मीडिएट माने मैं अप्रीसीट करूँगा इफ अगर राइटर लिखते हैं कि मेरे बारे में कि हाउ दे मीडिएट तो इसमें देखिए करेक्ट कहाँ पर इनकरेक्ट है इनकरेक्ट मेरा है इफ रीडर इफ क्या आई वुड अप्रिशिएट इफ रीडर्स वुड राइट टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट मैंने कैसे वो मेडिटेशन करते हैं अगर मैं अप्रीसीट करूँगा अगर रीडर और लो रीडर जो है वो मुझे लिखते हैं लिखते यानी पास्ट टेंस के बारे में चर्चा हो रही है तो पास्ट टेंस के बारे में चर्चा हो रही है तो यहाँ पे वुड राइट के बदले क्या हो जाएगा यूज मेरा रोट आई वुड अप्रिसिएट इफ रीडर्स रोड टू मी अबाउट हाउ दे मेडिटेट यानी वोल्ड राइड के बोले रोड का यूज होगा तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन मेरा इनकरेक्ट है बी चलिए नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नैदर ऑफ़ द टू चिल्ड्रेन सेट देयर पेयर्स बिफोर गोइंग टू वेड मैने दोनों में से किसी ने भी अपना प्रार्थना नहीं किया बिस्तर पर जाने से पहले नैदर ऑफ द टू चिल्ड्रन सेट देयर पेयर बिफोर गोइंग टू वेड तो देखिए कहाँ पर ईडर है गेस कीजिए देखिए ये इडर है मेरा वेट ये इडर है मेरा ये पार्ट में यहाँ पे देखिए सेट देयर पेयर में कहाँ इडर है देखिए दोनों में से किसी ने भी प्रार्थना क्या किया नहीं और जब कभी नैदर नैदर में क्या होता है दोनों में से कोई नहीं तो जब नैदर के साथ हमेशा सिंगुलर यूज होता है तो देयर नहीं यूज होगा हीज हो यूज होगा नैदर एदर इन सभी के साथ हीज ही इस टाइप का यूज होता है कभी भी प्लूरल नहीं यूज होता है देयर नहीं यूज होता है इस uh, टाइप से माने कभी भी प्लूरल इनके साथ यूज़ नहीं किया जाता है नेदर ऑफ द टू चिल्ड्रेन सेड हिज प्रेयर बिफोर गोइंग टू वेड ये करेक्ट होगा चलिए इसी के साथ मैं अपना वीडियो फिनिश कर रहा हूँ थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो अगर आपको पसंद आई अगर आप चाहते हैं कि मैं कॉमन कॉमनिटर का और भी पार्ट लाऊं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं हाँ हाँ मुझे और भी वीडियो चाहिए या और भी देखना है अगर आपको कोई और भी और कुछ और टॉपिक से रिलेटेड अगर वीडियो चाहिए होगा लगे आपको कि ये वीडियो पढ़ लेता मैं तो मेरा एग्ज़ाम में बढ़िया स्कोर कर पाता अगर आपको लगे कि कोई ऐसा टॉपिक है तो आप कमेंट कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं ओके थैंक यू टेक केयर